नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल रीवल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उल्कापात के बारे में। दोस्तों, आप सभी को अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर तो आई ही होगी कि 12 अगस्त को रात नहीं होगी, 12 अगस्त को रात में भी उजाला दिखाई देगा। 96 वर्ष बाद ऐसा होगा कि 12 अगस्त को रात नहीं होगी। इस वायरल खबर की सच्चाई जानने से पहले हमें शूटिंग स्टार यानी कि टूटते हुए तारों के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी ने टूटते हुए तारे के बारे में सुना है और कुछ लोगों ने टूटते हुए तारों से इच्छा भी मांगी होगी। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि तारे कभी नहीं टूटते, लेकिन जो टूटते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में सिर्फ सूर्य, चंद्रमा और कुछ ग्रह नहीं हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बहुत सारे पत्थर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत सारे पत्थर भी हैं। ये पत्थर ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन ये पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। इन पत्थरों को एस्ट्रॉइड यानि कि क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह के छोटे से टुकड़े को मेट्रोइड यानि कि उल्कापिंड कहा जाता है। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो इनको उल्का का नाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको उल्का कहा जाता है। ज़्यादातर उल्का बर्फ़, पत्थर, धूल और गैस से मिलकर बनी होती है, जिस कारण जैसे ही उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल के घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और ये बाष्पीकृत हो जाता है यानी कि वेपोराइज्ड हो जाता है और वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि उल्का पत्थर की भी बनी होती है, इसलिए कई बार उसमें आग लग जाती है और हम उल्का को पृथ्वी की तरफ गिरते हुए देखते हैं, जिसके कारण उल्का अपने पीछे एक लाइट छोड़ जाती है यानी कि आग की रोशनी छोड़ जाती है, जिसे देखकर हम समझते हैं कि यही टूटता तारा है। जब एक साथ कई उल्का पृथ्वी पर गिरती है, तो इसे उल्कापात का नाम दिया जाता है यानी कि मेट्योर शावर का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर उल्का तो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती है, लेकिन कई बार कुछ उल्का नष्ट न होने के बजाय पृथ्वी पर भी आ गिरती हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी 12 अगस्त की रात को उल्कापात को देखने के बारे में सोच रहे हैं और आप भारत में रहते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि 12 अगस्त की रात को उल्कापात सिर्फ पश्चिमी देशों में दिखाई देगा, ये भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, क्या इस जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि क्या हमें उल्कापिंड से खतरा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, उल्कापिंड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, 15 फरवरी 2013 में चेल्याबिंस्क ओब्लास्ट यानी कि रूस में जब एक उल्कापिंड गिरा था। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 2013 को रूस में एक उल्कापिंड गिरा था। ये चेल्याबिंस्क शहर की कुछ तस्वीरें हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैसे एक उल्का पूरे शहर को रोशन कर सकती है। धरती पर गिरने से पहले मात्र 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उल्का में विस्फोट हो गया, जिससे शहर की बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़्यादातर इमारतों के शीशे टूट गए थे। शहर में एक फैक्ट्री
तो आधी ध्वस्त हो चुकी थी, जिसे पता चलता है कि उल्कापिंड बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, 12 अगस्त को रात नहीं होगी, यह बिल्कुल झूठ है। 12 अगस्त को रात होगी और उस दिन उल्कापात यानी कि मीटियोर शावर भी होगा, लेकिन वो मीटियोर शावर इतना बड़ा नहीं होगा या उस समय गिरने वाली उल्काएं इतना बड़े नहीं होंगी कि पूरी रात को ही रोशन कर दे। और दोस्तों, ये भी माना जाता है कि हमारी जो डायनासोर वाली प्रजाति थी वो किसी मीटियोर, किसी बड़े से मीटियोर के पृथ्वी पर गिरने के कारण ख़त्म हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल रिवल को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।